नमस्कार साथियों, भगवान श्री रामचंद्र 14 वर्ष के लिए वनवास में रहे। अपने घर से दूर, अपने सहयोगियों से दूर, बिना किसी सुख सुविधाओं के, बिना संसाधनों के 14 वर्ष तक कड़ी तपस्या की, वन में रहे। और आप लोग पिछले कुछ हफ्ते से घरों में रह रहे हैं, उसका बहुत बहुत आभार। लेकिन आने वाले कुछ दिन, कुछ हफ्ते और भी हमें अपने घरों में रहना होगा। आपसे अनुरोध है, अपने आप में संयम रखें, धैर्य रखें तथा अपने घरों में रहें। इसी से संबंधित कुछ लाइनें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। 3.0 लॉकडाउन कहता है, जीत अभी अधूरी है, सपने सच होना बाकी है, भारत की शपथ ना पूरी है। जिनके जीवन बचाने को हमने है कसमें खाई, वो अब भी है संकट में, कोरोना की है परछाई। अस्पताल में, सड़कों पर जो जान हथेली पे रखते हैं, उनसे पूछो परिवार के साथ को क्या कहते हैं। इसीलिए तो कहता हूँ, जीत अभी अधूरी है, कैसे बाहर जाऊं मैं, कुछ दिन की मजबूरी है। दिन दूर नहीं, भारत को फिर से आपदा मुक्त बनाएंगे, जम्मू से कन्याकुमारी तक जीत का जश्न मनाएंगे। साथियों, इसीलिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप धैर्य रखें, घर में रहें, खुद को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।